अस्सलामुअलैकुम भाई, खैरियत? सब कैसे हैं? मैंने न्यूज़ में देखा कि भाई हैदराबाद में जो है यंग डॉक्टर और अपने मियाँ बीवी का जो है इंतकाल हो गया है। अल्लाह व नैली राजीन, अल्लाह ताला उनको जो है मगफिरत अता फरमाए। अल्लाह, मैं हूँ चाइना में और आपको मैं बताता हूँ कि गीज़र यहाँ पे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं कि पूरा गैस से कनेक्टेड है, लाइन कनेक्टेड है, लेकिन वो जस्ट स्टार्टअप के लिए जो है इलेक्ट्रिक में कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक से स्टार्ट होता है लेकिन वो पूरा टोटली जो है गैस गैस से ही चलता है वो। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास चाइना में पूरे गीज़र गैस के लाइन से कनेक्टेड है और बहुत ही सेफ है। तो भाई ये गीज़र जो है आप जो देख रहे हैं ये पूरा गैस से चलने वाला है और ये जो है जो भी गर्म होता है तो पूरा बाहर मतलब एग्जॉस्ट के लिए है ये। और ये कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक से, सिर्फ इलेक्ट्रिक से जो है खाली स्टार्ट होता है लेकिन इसको कनेक्टेड है पूरा एक गैस की लाइन है ये पूरी जो आप देख रहे हैं ना पूरा ये गैस की लाइन है। तो ये गैस की लाइन आके यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। एक पानी इनलेट है या आउटलेट, ये जो है अपने बाथरूम में आप शावर जब लेते हैं तो उसके लिए है। तो ऑटोमेटिकली ये जो है बस पूरा गैस से चलता है और पूरा सेफ है ये। तो इस तरीके का कुछ हमारे पास जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज वहाँ पे लाना चाहिए। मुझे मैंने देखा न्यूज़ में, देख के बहुत अफसोस हो रहा है। जो मियाँ बीवी जो डॉक्टर थे उनका जो है इंतकाल हो गया शौक से। तो मैं समझा कि भाई कुछ ऐसा बताऊं कि इस तरीके का कुछ होना चाहिए वहाँ पे भी, हमारे पास भी। ये देखो पूरा ये गैस की लाइन कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो वॉशिंग मशीन है लेकिन यहाँ से ये कनेक्टेड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक से, जस्ट स्टार्ट होने के लिए। वो बस स्टार्ट होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट होते ही वो जैसा बाथरूम में पानी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देखो ये आवाज़ आ रही, ये टक टक ये हो गया। ये देखो कि बाथरूम में मैंने वहाँ पे गीज़र स्टार्ट किया और ये गैस से पूरा ये चल रहा है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली आपका जब पानी आप बंद कर दोगे तो जो है वो पूरा बंद हो जाता है। तो चाइना में पूरा भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है पूरा गैस का ये अपने गीज़र्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पूरा ठंडा है, बस अंदर ये आग लगी है। तो ये अंदर छोटा सा टैंक की तरह है जो पानी यहाँ से जो अपने बाथरूम में आ रहा है शावर में, तो उसके लिए जब आप बंद कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है। अभी हमने स्विच ऑफ किया है, ये बंद हो जाएगा। जस्ट ये वीडियो है भाई आपको समझ में आने के लिए कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए मैं बना रहा हूँ। तो इस तरीके का है चाइना में, तो जो है चाइना में बहुत कम एक्सीडेंट्स, नहीं के बराबर होते हैं, मतलब बिकॉज यहाँ पे कोई भी जो है इलेक्ट्रिक का गीज़र यूज़ नहीं करता है। छोटा सा मैंने वीडियो बनाया भाई ये सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशंस के लिए। जो है मुझसे बहुत अफसोस हुआ न्यूज़ में देख के, बहुत अफसोस हुआ। जो डॉक्टर साहब थे उनके वाइफ का जो गीज़र से इंतकाल हुआ, बहुत अफसोस हो रहा है। तो बस मैंने चाहा कि यहाँ पे हमारे पास जो हम लोग यूज़ करते हैं चाइना में, कि गैस का गीज़र हमारे पास तो बहुत सेफ्टी, मतलब सेफ्टी के हिसाब से बहुत सेफ़ है ये। इसमें ना शॉक लगने का डर है ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का कुछ होना चाहिए हमारे पास, तो आई थिंक काफ़ी जानें बच सकती हैं। तो बस आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।